नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए यह निबंध लेखन की श्रृंखला हमारी चल रही थी और आज का विषय है प्राकृतिक कृषि और धारणीय विकास। तो धारणीय विकास को हम कैसे कृषि से जोड़ सकते हैं और कृषि में प्राकृतिक क्या हो सकता है? वैसे तो देखा जाए तो पूरी कृषि की व्यवस्था ही प्रकृति पर आधारित, लेकिन ये प्राकृतिक कृषि से क्या तात्पर्य है ये भी समझना आवश्यक है। तो पहले हम प्रारूप बनाएंगे, जैसा कि हर सफल निबंध को लिखने के लिए होना चाहिए। प्रारूप में हम योजना तैयार करते हैं कि निबंध में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। प्रारूप का मतलब पूरा निबंध लिखना नहीं होता है, एक फ्रेम तैयार करते हैं, उसमें जितनी भी बातों को हम भरते हैं वो आगे की चीज़। तो प्राकृतिक कृषि क्या है ये पहले आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये नया मुद्दा है। उसके अलावा इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो कि चर्चा का विषय इसे बना रही हैं वो हम लिखेंगे। इसका उद्देश्य और महत्व क्या है, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तो उसको हमें गिनाना होगा। इसके अलावा जब फ़ायदा होता है और कोई नई चीज़ होती है तो उसके सामने चुनौतियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो चुनौतियों को हम लिखेंगे। और जब चुनौतियां हम लिखेंगे तो उसका समाधान भी हमें देना होगा। हम ऐसे गैर जिम्मेदारी नहीं दिखा सकते कि सिर्फ चुनौतियां बताकर हट जाए, वहां समाधान परक बात हमें करनी होगी और उसी के साथ हम समापन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा जो तत्काल का संदर्भ है उसको लेते हुए कहा गया कि बजट भाषण में वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी जो हैं, इन्होंने प्राकृतिक, रसायन मुक्त, जैविक और शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती है या कृषि है उसका उल्लेख किया था। मतलब उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है। और पिछले चार बजट संभाषणों में, यानी सिर्फ यही बजट संभाषण नहीं था बल्कि जो पिछले चार, मतलब पिछले तीन और थे, तो उन सब में यह तीसरी बार हुआ है कि जब उन्होंने शून्य बजट यानी प्राकृतिक खेती का उल्लेख किया है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में गहनता से सोच रही है। अब देखिए प्राकृतिक खेती होती क्या है, तो कम संसाधनों के साथ अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ हम तालमेल बिठाकर काम करते हैं। और यकीन मानिए कि प्रकृति के साथ अगर हम तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो हमारा हर काम आसान हो जाता है, प्रकृति के विपरीत जाकर करना मुश्किल होता है। हालांकि अभ्यास इसका अगर देखें, अभ्यास का मतलब ये प्रचलन में है कि नहीं, तो पैदावार में गिरावट और किसानों की आय में बहुत ज़्यादा सुधार करने में ये सफल नहीं रही है, पैदावार इससे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। अब इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि इससे संबंधित जो तकनीकियाँ हैं वो अभी हमारे पास सक्षम नहीं, और किसान इसके बारे में बहुत जागरूक नहीं है। वो पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं, उनके दादा परदादा और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो एक ढर्रे की खेती करते आ रहे हैं, तो उसी में वो लगे हुए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। और वो मौसम की मार झेलते हैं लेकिन उसके बावजूद जी जान से अपने खेतों में लगे रहते हैं। तो प्राकृतिक खेती से उनको रूबरू कराना आवश्यक है। अब इसके बाद आप देखेंगे इन चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहन देना होगा। अगर हम अपने देश यानी भारत को देखें तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, मतलब मैदानी इलाका जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, या ऐसा नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान, तो एक समय था कि ये बड़े उपजाऊ हुआ करते थे, अभी भी है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुराने समय में ये बहुत उपजाऊ थे। तो ऐसे ही बीज डाल दिया और फसल पैदा हो गई वाला क्रम चलता था। बाद में पशुओं से संबंधित जो अपशिष्ट हैं उनको डाल के खेती की जाती थी, यानी गोबर की खाद या इस तरह की चीज़ें। आजकल रसायनों का ईजाद हो गया है जिसमें कि हम थोड़ा सा रसायन डाल देंगे तो बेहिसाब पैदावार होगी, सब्जियाँ बहुत होंगी या अन्न बहुत पैदा होगा, लेकिन इससे मिट्टी पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है और मिट्टी के अंदर जितना भी पोषण है वो सब खत्म होने लगता है, और ये बड़ी घातक चीज़ है। अगर मिट्टी बंजर हो गई तो फिर वहाँ खेत नहीं, कुछ नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे में रसायन मुक्त कृषि के लिए प्रोत्साहित करना और रसायन का उपयोग करना किसान की विवशता है, उसे अन्न उपजाना है, न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना है बल्कि उस अन्न, मतलब जितना अनाज पैदा होता है उसको बेचकर उसमें से अपने बाकी जो रोजमर्रा के काम है उनके लिए भी खर्चा निकालना है। तो खाने के लिए अनाज प्लस अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज, और किसान ही अन्न उपजाता है तो उसी से पूरा देश अपना पेट भरता है। तो ऐसे में अन्न की मात्रा अगर ज़्यादा नहीं होगी तो इतनी जनसंख्या का पेट कैसे भरेगा। तो इसलिए ये रसायन, मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन ये घातक हैं, तो इनका विकल्प क्या हो सकता है। तो विकल्प के तौर पे हम प्राकृतिक कृषि की ओर देखते हैं, लेकिन अभी जो इससे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। अब यहाँ एक देख आप देख सकते हैं कहा गया कि खेती के इस दृष्टिकोण को सबसे पहली बार कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, तो ये जापान के एक किसान थे और किसान सह दार्शनिक थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि किसान भी थे और दार्शनिक भी थे, तो भाई आप ये जान लीजिए कि भारत में भी जितने किसान हैं वो कमोबेश दार्शनिक हैं, उनके अंदर दार्शनिक का भाव हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से प्रकृति आश्रित हैं।
कोई भी किसान कितना भी आधुनिक संसाधन इस्तेमाल कर ले, कितने भी उसके पास एडवांस क्वालिटी के उपकरण हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद प्रकृति पर उसका अगाध विश्वास होता है। किसी भी किसान को आप ले लीजिए, उतना ज़्यादा संतोषी जीव पृथ्वी पर दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, हर मनुष्य में असंतोष होता है, लेकिन जो मनुष्य किसानी करता है, खेती करता है, उसके अंदर एक संतोष की भावना होती है। उसे ये विश्वास होता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अन्न पैदा होगा, कुछ ना कुछ पेट तो भर ही जाएगा, सब भगवान भरोसे। तो ऐसी जो प्रवृत्ति है ना, ये दार्शनिकता की ओर ले जाती है। तो किसान जो है वो कमोबेश दार्शनिक होते हैं। और यहाँ ये इनका नाम था मसानोबू फुकुओका, ये जापान के रहने वाले थे। 1975 में इनकी एक किताब प्रकाशित होती है, किताब भी लिखते थे। तो इनकी किताब का नाम था द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। और इसके माध्यम से इन्होंने ये विचार रखा कि प्राकृतिक कृषि जैसी भी कोई चीज़ है जिसका कि हम यथोचित लाभ ले सकते हैं। अब ये जो कृषि प्रणाली है, इसमें फसलों, पशुओं, मतलब पशुधन जितना भी है उसमें सब कुछ, जितने भी पशु पाले जाते हैं वो सब आ जाते हैं, और वृक्षों, सभी को एकीकृत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अनाज के बारे में सोच रहे हैं या जो खेत में पैदा होने वाली फसलें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, हम पेड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, जंतुओं के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये जब समग्र हम दृष्टिकोण रखेंगे तो ये प्राकृतिक कृषि का एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा। अब यहाँ ये भी कहा गया कि कार्यात्मक जैविक विविधता जो है, कार्यात्मक जैविक विविधता का मतलब क्या है कि जो जैव विविधता हमारे चारों ओर है या हमें उपलब्ध हो रही है उसका हम इस्तेमाल कर सके, वो क्रियाशील हो सके, हमारे हमारे लिए भी फायदेमंद हो और अपने भी पोषण प्राप्त करें। तो इस तरह का जो यहाँ जैव विविधता है कार्यात्मक, उसका इष्टतम उपयोग करने का अवसर ये प्राकृतिक कृषि में प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो प्राकृतिक कृषि को पुनर्योजी कृषि कहा जाता है, यानी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये रीजनरेटिव शब्द बड़ा ही चमत्कारी है। रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे अंदर एक नई उम्मीद जग जाती है कि जो कुछ नष्ट हुआ है उसे हम वापस पा सकते हैं। तो ये आशा की किरण ये हमें प्राकृतिक कृषि में भी दिखाई देती है। ये पृथ्वी की रक्षा के लिए एक प्रमुख रणनीति हो सकती है, बेशक हो सकती है। जो संसाधन हमने खो दिए हैं वो हमें फिर से प्राप्त हो जाएंगे, तो एक संतोष मन में रहेगा और पर्यावरण बचा रहेगा। यह मृदा की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की पुनर्बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के न्यूनीकरण या शमन जैसे जो विभिन्न लाभ हैं वो सब किसानों को देती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं लेकिन दिक्कतें भी इसमें आगे बहुत सारी। अब भारत में प्राकृतिक खेती की अगर हम चर्चा करें तो इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, जो कि पीएम के वी वाई होना चाहिए था, प्रधानमंत्री के नाम से, तो ये कृषि विकास योजना है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि पद्धति कार्यक्रम इसके रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय कृषि पद्धति कार्यक्रम जो है ये प्राकृतिक कृषि और धारणीय विकास दोनों को संपोषित करता है। और धारणीय विकास का मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने उनके पीछे स्वप्न देखे हैं और प्रतिबद्धता की है कि हम उन्हें प्राप्त करेंगे, तो उसमें जो कृषि की व्यवस्था है इसको भी शामिल किया गया है। अब यह जो योजना है या ये कहिए कि कार्यक्रम है, ये पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य बनाकर चलता है, मतलब लक्षित है, और बाह्य रूप से खरीदे जाने वाले जो इनपुट्स हैं उनको कम करता है। मतलब जो कुछ हमारे पास है उसी को हम समायोजित करके उसी से फायदा लें। और पहले के समय में जो खेती होती थी, पहले का मतलब ये है कि आज़ादी से पहले का जो भारत था, या आज़ादी के बाद भी एक लंबे समय से, 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन का समय आया है ना, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन तो पहले से ही दुनिया में चल रहा था, लेकिन भारत में जो दौर निकला है ग्लोबलाइजेशन का वो मूल रूप से 1991 में आया। तो वहाँ से ये चीज़ें बदलने लगी हैं, मतलब बाहरी हस्तक्षेप बढ़ गया है, बाहरी चीज़ों का प्रयोग बढ़ गया है। नहीं तो उससे पहले की खेती ज़्यादातर प्रकृति आधारित थी, और आज जो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो किसानों को जमाने से पता था, और वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों में ही पूरी खेती कर डालते थे और अपने भी पेट भरते थे, दूसरों का भी भरते थे। ठीक है, तो उसी तरीके की व्यवस्था है ये, बाहर से कुछ नहीं लेना, जो हमारे पास है उसी को हम इस्तेमाल करके एकदम संपन्न रहें। अब कृषि वानिकी की अगर बात की जाए तो कृषि वानिकी का मतलब क्या है। देखिए, जंगल को काट कर हमने खेत बनाए हैं, खेत और कुछ नहीं है, वो कटे हुए जंगल हैं। हमने ज़मीन साफ की और वहाँ खेती करना शुरू किया, और कहीं कहीं मैदान हमें ऐसे ही मिल गए तो वहाँ भी खेती करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जंगलों को संरक्षित करना ये भी हमारा दायित्व है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहे तो फिर खेत तो क्या, इंसान भी नहीं रहेगा। तो कृषि वानिकी का मतलब यह है कि वृक्षारोपण भी हम साथ साथ करते जाएं, ऐसे फलों का रोपण करें जो कि हमें फ़ायदा दें। वो बागवानी फसलें हो सकती हैं या फिर कुछ इस तरह के फ़ायदेमंद लकड़ी वाले, इमारती लकड़ी वाले वृक्ष हो सकते हैं। जैसे आप खेत के चारों ओर सागौन लगा दीजिए, आम का पेड़ लगा दीजिए, आम फल भी देगा आपको, या इस तरह के बहुत सारे वृक्ष हो सकते हैं। तो ये कहलाता है कृषि वानिकी, यानी आप कृषि भी कर रहे हैं और वनों को भी संरक्षण दे रहे हैं एक हद तक। तो ये हमने देखा। अब यहाँ आप देखें कि ये जलवायु के लचीलेपन को बढ़ावा देगा, साथ में किसानों को एक आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगा। मतलब तीन चार आपने कलमी आम लगा दिए, पेड़ लगा दिए, अब उसमें से जो आम पैदा हो रहा है उसको आप बेच रहे हैं, उससे आपको मुनाफा हो रहा है। या फिर आपने सागौन लगा दिया, उसकी लकड़ी, हालांकि काटने वाला काम अच्छा नहीं होता लेकिन इमारती लकड़ी को काटना पड़ता है, तो सागौन आपने लगाया, कुछ समय बाद उसकी लकड़ी तैयार हुई, आप उसे बेच दिए तो फायदा हुआ, हालांकि वो पेड़ पूरा उजड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे वृक्ष उत्पाद होते हैं।
तो इनसे फायदा होगा, मतलब प्रकृति को फायदा होगा, किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम उससे प्राप्त होगी, उसके अलावा खेत जो है वो भी कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, चारों ओर से ये पेड़ बाड़ का काम करेंगे। और समस्या ये होती है कि उस पर चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं, निवास बनाती हैं, और जब किसान फसल लगाता है तो वो खाने के लिए वहाँ से तत्काल नीचे उतर जाती है, तो पक्षियों के द्वारा नुकसान होता है, लेकिन ये अलग चीज़। पक्षियों के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा मौसम से हो रहा है, तो उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये सब प्राकृतिक कृषि के ही स्रोत हैं अलग अलग तरीके से। लकड़ी आधारित उद्योग और हर्बल उद्योग के लिए एक फीड स्टॉक के तौर पे से हम देख सकते हैं, मतलब कृषि वानिकी को। अब यहाँ एक और मिशन की बात की जा रही है, तो ये मिशन है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और प्रसार के लिए इसको शुरू किया गया है, ताकि जो जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है उसी के हिसाब से हम कृषि को ढाल सकें, क्योंकि अगर हमने नहीं ढाला तो समय ऐसा खराब हो रहा है, मतलब जलवायु परिवर्तन की स्थिति इतनी बुरी हो रही है कि अनाज पैदा ही नहीं होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो मानव जाति टिक नहीं पाएगी। अब यहाँ आप ये भी देखिए कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है वहाँ जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब 2022-23 का जो बजट था उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो आवंटन हुआ है ये 10,433 करोड़ रुपये का, करीब 4.2 गुना, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो इतना अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, मतलब इसमें बजट भी बढ़ाया जा रहा है। इस क्षेत्र में बजट बढ़ाने का मतलब क्या है कि भारत सरकार इसमें गहनता से रुचि ले रही है। और रसायन मुक्त खेती के लिए ये जमीनी स्तर अपना तैयार करेगा, क्योंकि पहले तो हमें इसका पूरा बैकग्राउंड तैयार करना होगा, अभी तो इसका ढांचा तैयार करने की ज़रूरत है, अभी प्रचलन में तो है नहीं। और विश्व की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, हालांकि नियंत्रण की बातें हो रही हैं, लेकिन नियंत्रण भी जिस रफ्तार में हो रहा है उससे तेज बढ़ने की रफ्तार है, तो दोनों को अब आपस में समायोजित होने में समय लगेगा। तो अभी जो पॉपुलेशन हमारे सामने है उसको हम खिलाएंगे कहाँ से, ये सोचने का विषय है। 2050 तक करीब 10 बिलियन तक बढ़ जाने का अनुमान है, लाख नियंत्रण के उपाय अजमा लिए उसके बावजूद। तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि 2013 की तुलना में, अब पिछले वर्ष को हम देख रहे हैं, तो 2013 की तुलना में कृषि मांग जो है वो 50% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैदा होंगे वो खाएंगे तो है ही। और ऐसी स्थिति में कृषि पारिस्थितिकी के एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कि कृषि वानिकी, जलवायु स्मार्ट कृषि, संरक्षण कृषि, जो कि सब ओवरऑल प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत आते हैं, उन सब पर ध्यान देना होगा। अगर नहीं दिया तो सिर्फ उर्वरकों के भरोसे या रसायनों के भरोसे खेती नहीं होने वाली। और कृषि बाजार के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार ही जब अच्छा नहीं मिलेगा तो किसान प्रोत्साहित कहाँ से होगा, अनाज पैदा करेगा उसको घाटा लगेगा, फिर वो पैदा करना भी बंद कर देगा। और सभी राज्यों में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न फसलों के लिए जो खरीद तंत्र है उसको मजबूत करना है और साफ सुथरा रखना है। बिचौलियों की वजह से किसानों को फायदा नहीं होता है और न सरकार तक और लोगों तक सही अनाज पहुँच पाता है, जो बिचौलिए हैं वो अपने डकार जाते हैं, यानी खाकर अपने नीचे जो है उसको खजाने की तरह गाड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये बिचौलिए जो हैं ये बीच में इतनी बड़ी गड़बड़ करते हैं जिसमें कि जो प्रशासनिक मिलीभगत है वो भी दिखाई देती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के भरोसे हो जाता है, ये तो सिर्फ उसकी छोटी इकाई है। जो प्रशासनिक अमला है जो कि खाद्यान्न से संबंधित काम देखता है, मतलब विपणन विभाग, उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भी ये समस्याएं पैदा करता है, मतलब कालाबाजारी और जमाखोरी अनाज की होती है, जैसे इस समय हो रही है। आप देख लीजिए गेहूँ की किल्लत है पूरे देश में, चावल की भी होने वाली है, बारिश की जो स्थिति है आजकल दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि गेहूं अभी भारत की आबादी को खिलाने के लिए कम हो गया है, लेकिन जमाखोरी इतनी ज़्यादा है कि गेहूं के स्टॉक बना के कहीं पर दफन करके रखे गए हैं और वो ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। और चयनित फसलों के लिए प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया, तो ये चलता रहता है, मतलब आप प्राइस डिफिशियंसी रखेंगे तो इससे एक स्थिरता बनी रहेगी। और MSP जो है वो तो हमेशा चर्चा का विषय होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसके भी लागू करने और घोषित करने में तमाम विसंगतियाँ हैं उसे हम देखते हैं। तो MSP पर बेचने का अधिकार ये कानून के तौर पे होना चाहिए, मतलब इसका अधिकार किसान के पास होना चाहिए ताकि कोई उसे छीन न सके उससे। और नरेगा वाला जो है उसमें भी खेती की लागत को कम करने के लिए कृषि कार्य से नरेगा को जोड़ दीजिए, तो वो तो भविष्य में सरकार को करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो किसान अपनी स्वेच्छा से खेती कर रहा है अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन खेती में जिस तरह का घाटा किसानों को ज़्यादातर लग रहा है उससे लोगों का मन इस ओर से हट रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, अपना रोजगार खोज रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं। तो जब खेती करने वाला कोई बचेगा नहीं तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाएगा, सरकार इसकी भी वैकेंसी निकालेगी, लोग फार्म भरकर किसान के लिए भर्ती होंगे, सरकारी किसान। तो ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है, और अनाज की कीमत सोने से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है जिसकी की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर टिकी हुई है अभी भी, तो ये प्राकृतिक कृषि वाला जो क्षेत्र है इसको अपनाए, तत्काल अपनाए, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, ये एक झटके में नहीं हो जाएगा, इसमें कम से कम कई दशकों का समय लगेगा, तब जाकर ये व्यवस्था हमारे जो ढांचे हैं उनके अंदर बाकायदा बहाल हो पाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसमें आप अपनी ओर से समाधान दे सकते हैं, जो संभावित खतरे हैं उसको गिना सकते हैं, यही तरीका होता है एक निबंध को लिखने का। कुल मिलाकर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को इसमें तवज्जो दीजिएगा, जो किताबों में आपने पढ़ा है, जो लेख आपने पढ़े हैं उसमें से सिर्फ जानकारियाँ लीजिए,
उसे अपने शब्दों में, अपने विचारों में ऐसा मिलाइए कि परीक्षक पढ़कर खुश हो जाए। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।